हाँ दिया, दो बज गए क्या? देखिए देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। और मैं हूं प्रशांत चुरहे। शुरू करते हैं खबरों का ये सिलसिला। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक डाई कारखाने में भीषण आग लगी है। आग इतनी भयानक है कि दमकल कर्मियों को उसे बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। भिवंडी की डाई फैक्ट्री देखते ही देखते आग की चपेट में आ गई। दमकल कर्मी आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं पर आग भड़कती ही जा रही है। ऐसे में उसे बुझाने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के धौलपुर जिले में कोतवाली थाना इलाके में एक बाइक में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद चलती बाइक से कूद कर चालक ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और तब जाकर कहीं आग बुझ पाई। और ऐसे में एक हादसे के बाद पहुंचे दमकल कर्मियों ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया लेकिन बाइक तब तक के जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी थी। अगर वहीं पे चीन के चियांग शहर में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरे इलाके में फैल गई। हिमाचल प्रदेश इस आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां और 80 दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश में जुट गए। फिलहाल इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में जलस्तर अचानक बढ़ने के चलते रावी नदी में युवक फंस गया। जानकारी के मुताबिक खेत में काम करते समय कर्म सिंह नाम के किसान के ट्रैक्टर का डीजल खत्म हो गया जिसको लेने के लिए वो नदी पार कर रहा था। स्थानीय लोगों से घटना की सूचना मिलते ही मौके पर प्रशासन और दमकल विभाग के लोग पहुंचे और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद किसान को बचाया गया। यूपी के मुरादाबाद के निजी स्कूल आरकेआर में सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल के दौरान श्रद्धा नाम के एक टीचर गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब टीचर स्कूल की 3 मंजिला इमारत से बाहर रस्सी के सहारे नीचे उतर रही थी और तभी रस्सी बीच में टूट गई और श्रद्धा शर्मा नीचे गिर गई। गंभीर रूप से घायल टीचर को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा के चलते शिक्षिका श्रद्धा शर्मा के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के बाद पीड़ित टीचर को देखने के लिए अस्पताल में जिलाधिकारी पहुंचे। घटना को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच की मांग की। मॉकड्रिल के दौरान गंभीर लापरवाही बरती गई। मौके पर न तो फायर ब्रिगेड थी और न ही एम्बुलेंस। यही नहीं, गिरने से बचाने के लिए जाल तक की व्यवस्था नहीं की गई थी। इस तरह की मॉक ड्रिल के ऊपर से गिरने की दशा में बचाने के लिए नीचे 8 इंच मोदे गड्ढे का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन इसकी संख्या कम थी। लेकिन मुरादाबाद में इसकी कोई व्यवस्था की ही नहीं गई। मुंबई की लोकल ट्रेनों में स्टंटबाजी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। स्टंटबाजी की ऐसी कुछ खतरनाक तस्वीरें एक एनजीओ ने रिलीज की है और इन वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे कम उम्र के युवा अपनी जान को जोखिम में डाल करके चलती ट्रेन में स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं जिसे लेकर लोकल में सफर कर रहे यात्रियों को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। देहरादून में शराब के नशे में धुत हाई प्रोफाइल परिवार की 2 लड़कियों ने जमकर हंगामा काटा। करीब 4 घंटे तक चले ड्रामे के बाद पुलिस ने इनको हिरासत में लिया और इनकी गाड़ी को सीज कर दिया। दिल्ली के किराड़ी रेपकांड के आरोपी को पुलिस ने रोहिणी कोर्ट में पेश किया है जिसके बाद अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन किराड़ी इलाके में 27 मई को देर रात आरोपी अपनी दादी के साथ सोई एक 8 साल बच्ची को उठा ले गया था। बच्ची को गोद ले जाता आरोपी गली में लगी हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। रेप के दौरान बच्ची के सांस रोकने पर उसको मरा समझकर मौके से वारदात के बाद फरार हो गया था। काउंसलिंग के दौरान पीड़ित बच्ची ने अपनी आपबीती सुनाई। यूपी के एटा में एक बुजुर्ग दंपति ने खुद को घर में कैद कर लिया। बता दें कि दंपति के बेटे को दबंगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और मामले की पैरवी न किए जाने की धमकी दे रहे थे। घटना के 6 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब बुजुर्ग दंपति खुद भी हत्या किए जाने के डर से घर में ही खुद को कैदी बनाकर रखे हुए। मध्य प्रदेश के दतिया में महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष माला को संपत्ति विवाद में उनके भाई और भाभी ने जमकर पीटा। माला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के फिरोजाबाद में एक लड़की के साथ रेप की कोशिश की गई है। घटना के दुखी पीड़िता ने खुद को आग के हवाले कर लिया जिसके बाद गंभीर हालत में लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
इलाज के दौरान लड़की को मौत हो गई। मरने से पहले पीड़िता ने दिए गए बयान के आधार पर पुलिस ने रईस नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के लातूर में एक मां की रोक टोक से नाराज होकर बेटी ने ही उसकी हत्या करवा दी। दरअसल 26 मई को प्रणीता पेंसलेवार की हत्या कर दी गई। जब पुलिस ने मामले की छानबीन की तो सामने आया कि कलयुगी बेटे ने ही चोरी के बहाने मां को मरवाने का प्लान बनाया था। यूपी के हापुड़ में दो बेटों ने जमीनी विवाद के चलते अपने पिता की गला दबाकर हत्या कर दी और हत्या के बाद आरोपी बेटे ने पिता के शव को मंदिर के पास फेंक दिया। गांव वालों ने आरोपी बेटे को पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया। यूपी के आगरा में बाइक चुराने की कोशिश की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मामला न्यू आगरा के प्रतिष्ठा ट्रामा सेंटर की है। यहां खड़ी बाइक को दो चोर चुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब वो इनमें कामयाब नहीं हुए तो वहां से भाग गए। राजस्थान के नागौर जिले की डिडवाना तहसील में शिकारियों ने जहरीले दाना खिला करके आधा दर्जन से ज्यादा मोरों का शिकार किया है। हालांकि ग्रामीणों को आता देख शिकारी मौके से फरार हो गए। गुजरात के नादियाड के सिविल अस्पताल में एक नवजात बच्चे को चोरी करते हुए एक महिला का वीडियो सामने आया। नडियाड में आरोपों के मुताबिक बच्चे को टीका लगवाने के बहाने एक अजनबी महिला दो घंटे पहले ही पैदा हुए बच्चे को अपने साथ लेकर फरार हो गई। फिलहाल पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर महिला की तलाश कर रही है। 14 साल पुराने गुजरात के गुलबर्ग हत्याकांड में आज फैसला आने वाला है। अहमदाबाद की विशेष अदालत 2002 के गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार मामले में आज फैसला सुनाएगी। 28 फरवरी 2002 को गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में 59 यात्रियों को जिंदा जलाए जाने के बाद गुस्साई भीड़ ने अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी में हमला कर दिया था। गुलबर्ग सोसाइटी पर हुए हमले में पूर्व कांग्रेसी सांसद एहसान जाफरी सहित 69 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच कर रही SIT ने कुल 73 लोगों को गिरफ्तार किया था। 14 साल बाद आने वाले फैसले को लेकर एहसान जाफरी के परिवार को खासी उम्मीदें हैं। एहसान जाफरी की पत्नी और बेटी का कहना है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। हरिद्वार में दो गुटों में हुई हिंसा के बाद गुस्साई भीड़ ने कांग्रेस के पूर्व विधायक और अब बीजेपी में शामिल कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के घर धावा बोल दिया और वहां तोड़फोड़ की। भीड़ ने कुंवर प्रणव चैंपियन के घर में खड़ी 3 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और कुंवर के घर में भी आग लगाने की कोशिश की। हमले में कुछ पुलिस वाले घायल हो गए हैं। पुलिस ने भीड़ को भगाने के लिए हवाई फायरिंग भी की। घर पर हुए हमले के बाद बीजेपी नेता कुंवर प्रणव चैंपियन ने कहा है कि सीएम हरीश रावत के इशारे पर उनके ऊपर हमले करवाए जा रहे हैं। उन्होंने अपने और अपने परिवार के लिए सुरक्षा की मांग भी की। हरिद्वार के रुड़की में एक दुकान खाली करवाने के बाद बवाल होने के बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस चौकी फूंकने की कोशिश की है। पुलिस ने लोगों पर काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया। लोगों का आरोप है कि पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के समर्थकों ने एक दुकान को जबरन खाली कराते समय एक धार्मिक ग्रंथ को फेंक दिया। इसके बाद लोग भड़क गए और तोड़फोड़ और आगजनी शुरू हो गई। हरिद्वार के लक्सर में PACRF और दंगा नियंत्रण दल ने मोर्चा संभाल लिया और पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। बिलासपुर बलात्कार पीड़ित खुदकुशी मामले पर छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री का शर्मनाक बयान सामने आया। गृहमंत्री राम सेवक पैकरा ने कहा कि जिसके अंदर सहनशीलता कम होती है वही खुदकुशी करते हैं। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य में पुलिस बलात्कार पीड़ितों को न्याय दिलाने की बजाय उन्हें खुदकुशी के लिए उकसाती है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक महिला के साथ एक होमगार्ड के जवान पर बलात्कार का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि होमगार्ड के जवान ने 2 महीने तक महिला से बलात्कार किया। आरोप यह है कि जब तक महिला ने हिम्मत करके आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई तो वो वहां फायदा उठाने महिला को केस वापस लेने के लिए धमकाने भी पहुंच गया। इतना ही नहीं, रिपोर्ट दर्ज होने के 15 दिनों बाद भी पुलिस ने ना तो आरोपी होमगार्ड को गिरफ्तार किया और न ही महिला और उसके परिवार को सुरक्षा दी। आखिरकार पीड़ित महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दादरी में हुए अखलाक हत्याकांड में मथुरा फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आने के बाद सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। अब आरोपियों ने अखलाक और उसके परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। आरोपियों के वकील रामशरण नागर का कहना है कि उनके पास मथुरा फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी है जिसमें लिखा हुआ है कि अखलाक के घर से मिला मांस बीफ था। वहीं अखलाक के परिवार का आरोप है कि रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने इसकी दोबारा जांच की भी मांग की है। अखलाक के बेटे ने IBN 7 से बातचीत में कहा है कि वो इस रिपोर्ट को कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इसी बीच बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ ने अखलाक हत्याकांड के आरोपियों को छोड़ने की मांग करते हुए कहा कि अखलाक के परिवार के खिलाफ केस करना चाहिए, सरकार की तरफ से दी गई सुविधाएं वापस ले लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि अखलाक के परिवार को इंसाफ जरूर मिलेगा और उसके जिसके फ्रीज में रखा था क्या रखा था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और जानी मानी वकील इंदिरा जयसिंह की NGO लॉयर्स कलेक्टिव का लाइसेंस
एफसीआरए के उल्लंघन के आरोप में उन्हें 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने इस एनजीओ को 30 दिनों के भीतर ही नियमों के उल्लंघन का जवाब देने को कहा है और इसके बाद उनका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। एनजीओ पर 2006-07 और 2013-14 के दौरान विदेश से मिले फंड पर इनकम टैक्स दायर करने का में फर्जीवाड़े का आरोप है। यूपीए सरकार में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हैं इंदिरा जयसिंह, इस एनजीओ की सचिव हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में शादी के बाद दुल्हन की वर्जिनिटी टेस्ट कराने के एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस वर्जिनिटी टेस्ट में फेल होने पर शादी तोड़ दी गई। ऐसी ही कुरीति का शिकार हुई एक नवविवाहिता को उसके पति ने ही ये कहते हुए छोड़ दिया कि वो टेस्ट में फेल हो गई। कंजार भाट समाज में सदियों से नवविवाहित युवतियों का वर्जिनिटी टेस्ट किया जा रहा है। वर्जिनिटी टेस्ट की एक कुप्रथा की जानकारी मीडिया में आने के बाद बवाल मच गया है। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। वहीं महिला आयोग ने भी हरकत में अब कदम आगे बढ़ाए। पुलिस भी मौके पर पहुंची, पति को समझा बुझाकर सुलह कराई। आखिरकार पति को गलती का एहसास हुआ और वो पत्नी को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो गया। बिहार के मुकामा में कैपिटल एक्सप्रेस के गायब हुए स्मृति का अब तक के पता नहीं चल पाया। हालांकि स्मृति की आखिरी लोकेशन गाजियाबाद में पाई गई है। बता दें कि पटना से दार्जिलिंग अपने पति के साथ घूमने जा रही स्मृति कैपिटल एक्सप्रेस से अचानक गायब हो गए। स्मृति और उसका पति तथागत दोनों पटना से दार्जिलिंग के लिए निकले थे। गायब होने की खबर जब मीडिया में आई तब स्मृति ने अपने घर में फोन करके सकुशल होने की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि स्मृति अपने पति के साथ नहीं जाना चाहती। मॉनसून से पहले मुंबई में नालों की सफाई को लेकर बीएमसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। और वहीं मॉनसून से पहले ही मुंबई के नाले की सफाई को लेकर के बीएमसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और विपक्ष ने नेता प्रवीण छेड़ा ने आरोप लगाया है कि बिल्डिंग के मलबे को नाले में डाल करके नाले का मलबा बचाया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 80% यहां केवल सफाई हो पाई है और उसके बाद यहां काम ठप पड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी की सरकार में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि किस तरह से विधायक और खाद और रसद राज्य मंत्री लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। समाजवादी पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री पप्पू निषाद समाजवादी पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री पप्पू निषाद पर 10 साल से ये मुकदमा चल रहा है। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में हड़ताली डॉक्टर्स ने 50 डॉक्टरों के सस्पेंशन के बाद हड़ताली डॉक्टर ने सामूहिक इस्तीफे की धमकी भी दी है। दरअसल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के परीक्षा पैटर्न में बदलाव से नाराज करीब 1200 डॉक्टर हड़ताल पर हैं, जिससे अस्पतालों की व्यवस्था चरमरा गई है। डाक के जरिए अब घर घर गंगाजल पहुंचाने की सरकारी योजना का विरोध शुरू हो गया है। कई संतों ने गंगाजल बेचने का विरोध किया है। संतों ने बैठक करके ये फैसला किया है कि सरकार के ना मानने पर जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा। दिल्ली के महर्षि वाल्मीकि अस्पताल में 31 मई को एक डॉक्टर की फेयरवेल पार्टी में तमाशा, तभी रिटायर होने वाले डॉक्टर के पास एक मैसेज आया कि रिटायरमेंट की उम्र 65 साल हो गई है। राहुल गांधी की बतौर कांग्रेस अध्यक्ष जल्द ही ताजपोशी हो सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस संगठन में भी बड़े फेरबदल की तैयारी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक संगठन में टीम राहुल की होगी, लेकिन उस पर मोहर सोनिया गांधी लगाएंगी। कांग्रेस में होने वाले बदलाव में अनुभव और युवा चेहरों को तरजीह दी जाएगी। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पहली बार अलगाववादियों पर जमकर बरसी हैं। महबूबा ने कहा है कि हर शुक्रवार को घाटी में पथराव आम घटना बनती जा रही है। सीएम महबूबा ने कहा कि ऐसी घटनाओं के चलते लोग जामा मस्जिद जाने से भी बचने लगे हैं। उन्होंने कहा कि अलगाववादियों के इस व्यवहार से कश्मीर की छवि खराब हो रही है। एक तरफ जहां बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के इस बयान का स्वागत किया है, तो वहीं पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर चुटकी ली है और पहले महबूबा से इसे सरकार के खिलाफ नाराजगी बताई है, लेकिन 6 महीने में उसके सुर बदल गए। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार में मंत्री एकनाथ खड़से की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। विपक्ष जमीन घोटाले और दाऊद इब्राहिम से फोन पर बातचीत करने के आरोप से घिरे खड़से के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। एकनाथ खड़से ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने गृहनगर जलगांव में शक्ति प्रदर्शन की तैयारियां शुरू कर दी है। बुधवार को खड़से के समर्थकों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। वही खड़से के करीबी विधायक, मंत्री और स्थानीय नेताओं के साथ दिन भर बैठकों का दौर चल रहा है। खड़से पर किसी तरह की कार्रवाई करने की स्थिति में उनके 14 समर्थक पार्षद इस्तीफा देने की धमकी दे चुके हैं।
बीजेपी अब एकनाथ खड़से पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बता रही है, तो वहीं कांग्रेस मांग कर रही है कि खड़से का इस्तीफा लेकर के भ्रष्ट मंत्रियों को सबक देने का काम किया जाए। मोदी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना लॉन्च की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आपदा से उबरने की क्षमता और लोगों की जान और संपत्ति के नुकसान को कम करना है। अभिनेता ओम पुरी ने अपने पीएम मोदी का समर्थन करते हुए कहा है कि पीएम मोदी की गोदी में बैठने के अलावा उनके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि बाकी सभी की गोदियां उन्होंने देख ली। मेघालय में बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर नेत्रहीन क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए नजर आए। इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया कि बीसीसीआई अगले 5 साल तक नेत्रहीन और बाधित लोगों का सपोर्ट करेगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह एक कार्यक्रम के दौरान पहाड़ी संगीत पर थिरकते नजर आए। वीरभद्र एक कार्यक्रम में पहुंचे थे जहां पर छात्रों ने उनसे डांस का अनुरोध किया जिसे वो नकार नहीं सके। पंचायत के नुमाइंदों के साथ बैठक से पहले सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौर की पगड़ी पहनने की दिलचस्प तस्वीरें सामने आई हैं। राठौर ने कुछ पलों में ही पगड़ी अपने सिर पर बांध ली। फिल्म हाउसफुल 3 को लेकर के विवाद शुरू हो गया। राइटर फारूक बरेलवी ने दावा किया है कि फिल्म हाउसफुल 3 के स्क्रिप्ट उनकी है और उन्होंने ये स्क्रिप्ट खुद अक्षय कुमार को सुनाई। वरुण धवन और जॉन इब्राहिम की आगामी फिल्म डिशुम का पहला लुक दर्शकों के सामने आ गया है। फिल्म डिशुम का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी फिल्म ओके जानू की शूटिंग में व्यस्त हैं और इसी सिलसिले में श्रद्धा कपूर दिल्ली के जामा मस्जिद में भी पहुंची जहां उन्होंने फिल्म का लास्ट शेड्यूल शूट किया है। सोनाक्षी सिन्हा की अगली फिल्म नूर एक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर होगी जो कि पाकिस्तानी लेखक सबा इम्तियाज की 2014 में आई किताब पर आधारित होगी। अमेरिका के टेक्सास के निचले इलाके में भारी बारिश और बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अब तक बारिश में और बाढ़ में 6 लोगों के मरने की खबर है। अमेरिका ही नहीं, यूरोप के जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया के कई शहर भी बाढ़ से जूझ रहे हैं। बाढ़ से प्रभावित इन इलाकों में लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम लगातार काम कर रही है। बोलिविया में एक कपड़ा फैक्ट्री बंद करने से नाराज मजदूर ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से इनकी झड़प भी हुई है। अमेरिका के लॉस एंजल्स में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक प्रोफेसर समेत 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरी यूनिवर्सिटी को सील कर पुलिस ने कब्जे में ले लिया। स्विट्जरलैंड में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे टनल का उद्घाटन किया गया। इस टनल को बचाने के लिए 17 साल का वक्त और करीब $12 बिलियन का खर्च आया है। युवा क्रिकेटर प्रणव धानवड़े ने सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर के सिलेक्शन विवाद पर सफाई दी। प्रणव ने कहा कि अर्जुन तेंदुलकर का सिलेक्शन मेरिट पर हुआ है। साथ ही प्रणव के पिता और कोच ने भी कहा है कि प्रणव अंडर 16 में चयन के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि 13 मई को प्रणव 16 साल के हुए और टीम का चयन इससे पहले हो गया। श्रीलंकाई खिलाड़ी नुवान ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। नुवान ने 21 टेस्ट मैच में 48 विकेट अपने नाम किए हैं। हालांकि वनडे और टी20 क्रिकेट में खेलते हुए रहेंगे।